महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं घोषित हो गई हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा 29 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चलेगी, वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 23 अप्रैल से 21 मई तक चलेंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें परीक्षा के तनाव से घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के कारण अभ्यास नहीं हो सका, इसका ध्यान रखते हुए सरकार ने 80 नंबर के प्रश्न पत्रिका के लिए 30 मिनट ज्यादा और 40 से 50 नंबर वाली प्रश्न पत्रिका के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया है। दिव्यांग परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्रिका हल करने के लिए 20 मिनट का ज्यादा समय दिया गया है। सभी परीक्षाएं छात्रों के संबंधित स्कूलों में होंगी। जहां सीटें कम पड़ेंगी वहां नजदीक के स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर भी कहा है कि परीक्षा के 10 से 15 दिनों बाद छात्र अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे सकेंगे। 10वीं व 12वीच्या परीक्षेपेक्षा निश्चितच आगळे वेगळे आहे, कारण गेल्या वर्षभर आपण सर्वजण कोरोनासारख्या विषाणूसोबत लढा देत आहोत। शाळा क्लासेस बंद आहेत, घराबाहेर निघायला बंदी, अशा अनिश्चित परिस्थितीमध्ये तुम्हाला तुमचा अभ्यास करावा लागला आहे। शाळा बंद आहे, शिक्षकांचे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळालेले नाही, तरी मित्रांनो तुम्ही आपला अभ्यास नक्कीच व्यवस्थित केलेला असेल याची मला खात्री आहे।